इस एल्गोरिथम में हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखेंगे डिफरेंट एल्गोरिथम्स की। उससे पहले भी हम लोग ये जान लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। चूँकि आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये पता होगा कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम हमारा कोई भी अगर हमारे पास प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का हम जब सोल्यूशन फाइंड करते हैं, तो सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के जो डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं, उनको एल्गोरिथम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हमने अपने वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो जब अगर हमने अपने वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर दिया तो भी हमारा ये एल्गोरिथम है। फिर अगर हमने अपने वर्ड्स में डिफ़ाइन किया, लेकिन उनको हमने स्टेप्स में दिखा दिया कि पहला स्टेप हमें कौन सा करना चाहिए, सेकंड स्टेप हमें कौन सा करना चाहिए, थर्ड स्टेप कौन सा करना चाहिए, तो ये भी हमारा एक एल्गोरिथम हो गया। अगर हम उसको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो वो भी हमारी एक एल्गोरिथम है। अगर हम इसको स्यूडो कोड के फॉर्म में लिखते हैं, स्यूडो कोड का मतलब ये है कि ये एक्चुअल में तो कोड नहीं है, लेकिन कोड के बहुत नज़दीक है। कोड मतलब प्रोग्राम के बहुत ही नज़दीक है, और कोई भी प्रोग्रामर चाहे तो उस स्यूडो कोड को समझ के और तुरंत ही उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकता है। तो स्यूडो कोड के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो भी हमारा ये एल्गोरिथम ही होगा। तो एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी फॉर्म में हम सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ किस कोई भी एल्गोरिथम अगर हम डिज़ाइन करते हैं, तो हमें उस एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेज़र करना चाहिए। अब एफिशिएंसी को मेज़र करने के दो तरीके हैं। एफिशिएंसी को मेज़र करने के दो तरीके जो हैं, उनमें से एक तरीका ये है कि हम ये फाइंड करें कि जो हमारी ये एल्गोरिथम है उसमें कितने इंस्ट्रक्शंस हैं, कितने टोटल इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन होगा जब हम किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए कोई आउटपुट जनरेट करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हमारा कोई एक एल्गोरिथम कुछ इनपुट ले और कुछ आउटपुट जनरेट करे, तो अगर कोई एक एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होगी, उस एल्गोरिथम को हम समझेंगे कि उसमें कितने कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन होगा है कितने इंस्ट्रक्शंस का किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। दैट इज़ दी वन मेथड जिससे कि हम एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो हमारी लॉजिक हमने बनाई, जो हमने एल्गोरिथम बनाया, उसमें गिवन इनपुट्स के अलावा कितने अदर हमने वेरिएबल्स का यूज़ किया है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वो भी हमारा एक एफिशिएंसी में काउंट होगा। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए कह रहे हैं कि जितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, सीपीयू पे उतना ही टाइम लगेगा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में। इसी तरह से वेरिएबल्स का ये मतलब है कि कितने वेरिएबल्स, अगर हम कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं अपने लॉजिक में, ये इस फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो रैम में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, रैम में कितने कितना एक्स्ट्रा स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा। तो इसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली है क्या? कॉम्प्लेक्सिटी इज़ एफिशिएंसी मेज़र ऑफ एनी एल्गोरिथम। और एफिशिएंसी को हम यूजुअली दो तरीके से मेज़र करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स कितने एग्जीक्यूट होंगे उस पर डिपेंड करता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का डायरेक्ट रिलेशन जो है कि कितना एक्स्ट्रा स्पेस हमने क्रिएट किया अपने लॉजिक, अब कितना एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब आप थोड़ा सा मेरी मेरी रिकॉर्डेड वीडियोज़ को आप देखेंगे, तो यूजुअली क्या हो रहा है कि आइटरेटिव एल्गोरिथम्स में तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने आपने लिए उस पर डिपेंड कर रहा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन अगर आप रिकर्सिव फंक्शंस बनाएंगे तो उस केस में फैक्टर्स कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। उस केस में एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स भी, एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स जो स्पेस ले रहे हैं वो भी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट होती है। ये जो हम लेक्चर रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, इसमें मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की आपको कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड की जाती है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड की जाती है। तो हम इसको स्यूडो कोड के फॉर्म में समझेंगे एल्गोरिथम का रिप्रेजेंटेशन। स्यूडो कोड के लिखने के भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं। मैं जो मेथड फॉलो कर रहा हूँ, ये एक इंडस्ट्री पैटर्न है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक महिंद्रा में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एक नंबर गिवन है
एन, और हमें फाइंड करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो इसको फाइंड करने के लिए लेट्स हमने एक एल्गोरिथम बनाया, इवन और ऑड। इवन और ऑड नाम के एल्गोरिथम है जिसमें एक वेरिएबल एन पास है, एक नंबर एन पास है, जिसको आपको चेक करना है कि ये जो नंबर है वो इवन है या नहीं है। तो चूंकि हम एल्गोरिथम बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम इस मेथड के पहले एल्गोरिथम कीवर्ड लिखेंगे अपर केस लेटर में, देन एक बिगिन अप्लाई करेंगे एंड देन इसकी लॉजिक हम लिखेंगे। तो लॉजिक लिखने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ ही है। अगर हमें इवन है ऑड फाइंड करना है तो हमें मॉडुलस 2 लेना पड़ेगा नंबर का, और अगर ये मॉडुलस 2 0 है तो हमारा नंबर इवन होगा। तो हम डिस्प्ले कर देंगे या राइट करेंगे कि ये नंबर इवन नंबर है, सेमी कॉलन नहीं लगेगा यहाँ पे। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा जो गिवन नंबर है वो ऑड नंबर होगा। फाइन, सो ये हमारी सिंपल सी लॉजिक हो गई, और हमने एक छोटी सी एल्गोरिथम लिखा इवन या ऑड नंबर फाइंड करने के लिए। कुछ जो निटी गिटीज़ हैं इस राइटिंग पैटर्न की, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमने जो वैल्यूज़ दिया, इसका मतलब ये इनपुट्स प्रोवाइड किए गए हैं एल्गोरिथम को, और ये नेम है एल्गोरिथम का। इसके पहले एल्गोरिथम कीवर्ड लगाना कंपलसरी है इस मेथड के हिसाब से। जो हम लॉजिक लिखेंगे वो बिगिन और एंड के बीच में लिखेंगे, बिगिन के बाद हम कोलन लगाते हैं और एंड के बाद हम सेमी कोलन लगाते हैं। यहाँ हमारी लॉजिक है, इस लॉजिक में हमने यहाँ पे इफ़ लिखा। जब भी हम इफ़ लिखेंगे तो उसके साथ में देन लिखेंगे। सो ये कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ़ कंडीशन देन दिस इज स्टेटमेंट, अदरवाइज दिस इज स्टेटमेंट। यूजुअली हम कोई भी कीवर्ड लिखते हैं इस पैटर्न में तो उसको हम अपर केस लेटर्स में लिखते हैं। फाइन, जैसे हमने इफ़ लिखा तो अपर केस लेटर में लिखा, देन लिखा तो अपर केस लेटर में लिखा, एल्स लिखा तो अपर केस लेटर में लिखा। इसी तरह से अगर हम फॉर लिखेंगे तो भी हम अपर केस लेटर में लिखेंगे। नाउ उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर हमारा एक नंबर है, लॉजिक हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कंडीशन चेक हुई है, एक स्टेटमेंट हुआ है, कंडीशन चेक हुई, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगा, तो एक और स्टेटमेंट चला। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो अगर आप ध्यान से इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, दो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं टोटल। ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो फिर से मैं समझाता हूँ आपको। अगर ये कंडीशन हमने चेक किया, एक स्टेटमेंट हो गया, कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। तो या तो ये स्टेटमेंट चलेगा या ये स्टेटमेंट चलेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट जो वो कंपलसरी है। तो टोटल दो स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स, और किसी भी नंबर का को हमें अगर ये फाइंड करना है कि वो इवन है या ऑड है, तो दो ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, दो से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। दो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, हम उसको बता सकते हैं कि इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन में बिगो नोटेशन यूज़ करते हैं और उसके अंदर वन लिखते हैं। जब भी हमने बिगो नोटेशन के अंदर वन लिखा, इसका मतलब है कि ये कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी है। ये भी आप जान लीजिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नोटेशंस का यूज़ करते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपने कई सारे नोटेशंस पढ़े होंगे, ओमेगा, थीटा और बिगो नोटेशन। ओमेगा बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है, थीटा एवरेज केस को रिप्रेजेंट करता है, या ऐसे केसेस जहाँ पे ना तो बेस्ट केस होता है ना तो वर्स्ट केस होता है, वहाँ पे हम थीटा नोटेशन का यूज़ करते हैं। बिगो नोटेशन वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इन तीनों नोटेशंस को हम लोग अभी इतना डिटेल में नहीं देखेंगे और केवल बिगो नोटेशन पे कंसंट्रेट करेंगे। इसका रीज़न ये है कि जब भी कोई कंपनी अपना रिटन टेस्ट लेती है तो उस समय वो बिगो नोटेशंस का ही यूज़ करते हैं। फाइन, सो हम बिगो नोटेशंस को ही लेके यहाँ पे चलेंगे। फाइन, अच्छा, अगर हमें ये फाइंड करना हो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी है, तो आप देख सकते हैं कि एन वेरिएबल हमें गिवन था, लेकिन हमने अपनी लॉजिक में कोई भी वेरिएबल का यूज़ नहीं किया। सो अगर हमने कोई भी वेरिएबल का यूज़ नहीं किया अपने लॉजिक में, तो इसका मतलब ये हो गया कि जीरो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या जीरो एक्स्ट्रा वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली जीरो भी एक कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ वन है, बिगो वन है। तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी, इस एल्गोरिथम की, और ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई।
फाइन। तो बहुत ही आसान है इसको फाइंड करना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप फाइंड कर लें कि कितने एग्जीक्यूशन होंगे, वो उसको आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह देंगे काउंट करके। एंड देन जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज़ होंगे हम उनको कहेंगे कि ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इनकर कर रहा है। तो आगे के लेक्चर्स में हम लोग और जो एल्गोरिथम्स, कुछ कुछ और एल्गोरिथम्स से रिलेटेड हम लोग टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। थैंक यू।